तो सू चले पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज रूपेश चावड़ा। और आज के दिन में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है दो तीन जगह, एक जगह नहीं दो तीन जगह किया। जीजे फाइव वाले हो तो आपको पता होगा, लेकिन जीजे वन वाले, टू वाले या तीन वाले, उन लोगों को ये आइडिया जरा भी नहीं होगा कि कौन सी जगह है, क्या है, किस तरीके से। कोई नहीं, आपको वीडियो में मिल ही जाएगा सारी की सारी जगह की इन्फॉर्मेशन, कैसे आए, क्या हुआ, क्या नहीं, सबका सब इस वीडियो में मिल जाएगा। नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर देना और वीडियो को लाइक देके जाना अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो। गुड मॉर्निंग पीपल, एक और नया दिन है और एक नई सुबह, एक अलग ही जगह पे, पिलाड़ बोलते हैं ना इस जगह को, पिलाड़ पे हम लोग, और हम लोग यहाँ पे हाईवे के साइड रुके हैं। यहाँ पे मेरा जो ये, मैं जो कर से लगा के आया था, ये जो हैवी वाला, वो अभी आधा टूट गया उस तरह से, क्योंकि हमने दो तीन फॉल भी लिए अच्छे वाले, तो वो टूटने के बावजूद ये टिका रहा। अब यहाँ पे भैया है, ये हमें लगा के दे रहे, ये वाला जो कि रहता है, ये कार्डबोर्ड जैसा है लेकिन प्लास्टिक फिल्म थोड़ा रहता है, तो ये वाला हम पहले चीज़ तो ये लगवा रहे हैं कि आगे मौसम कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा पता नहीं, ये मेरे पैरों को गंदे होने से बचा रहा है, तो मुझे ये लगवाना है। ये अराउंड भैया कितने का लग जाएगा यहाँ पे, ऑन एन एवरेज रेट बता दो। ठीक है, 30 रुपये में ऑन एन एवरेज यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप कहीं पे विजिट करते हो तो ये चीज़ बस लगा लेना अपनी बाइक के लिए, अगर आप टूर कर रहे हो उसके। और यहाँ पे हमसे ना ही कोई RT-PCR कुछ नहीं मांगा है, जितने भी बॉर्डर क्रॉस किए हमने इस पूरी ट्रिप में, कहीं पे RT-PCR चेकिंग हमारा हुआ नहीं है, बस मजा है। अगर मैं कोई भी नई जगह जाता हूँ कोई अलग स्टेट के अंदर, तो मैं वहाँ कुछ ना कुछ अपने सिटी की झलक ढूंढता रहता हूँ। और दमन है ना, यहाँ पे सिलवासा है, तो यहाँ पे भी झलक ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पे रियो फ्रंट मिल चुका है। रियो फ्रंट, एक प्रॉपर रियो फ्रंट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भी। चलो दिखा, मतलब भैया यहाँ पे मेन मेन चीजें क्या क्या घूमने वाली होती है। वैसे घूमने वाली चीज तो यहाँ पे वो रिवन फंड है, सत्रह गार्डन है, खानल गार्डन है, दादरा गार्डन है, लाइन सफारी, एक जू और चार पांच गार्डन बड़े बड़े अच्छे अच्छे। अगर उस गार्डन को निकाल दे तो यहाँ पे घूमने जैसा क्या बचा? जो आना था तो वो जो आप लेट हो गए। अच्छा, लेट हो गए। यहाँ पे तीन चार लोकेशन ऐसे हैं जो कि आपको भी घूमनी चाहिए अगर यहाँ पे आते हो। वैसे सारी लोकेशन में ज्यादातर गार्डन है, भैया ने बताया वैसे, और हमने भी चेक किया बहुत सारे गार्डन। गार्डन वाला जो फंडा है मेरे दिमाग में ज्यादा फिट नहीं बैठता, लेकिन ये जो रियो फ्रंट वाला एरिया है वो मुझे ज्यादा घर जैसा लगा, तो मैं यहाँ पे विजिट करना है। और ये एरिया अच्छा है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फ्रेम के अंदर बहुत ही अच्छा एरिया, आप आ सकते हो, चिल आउट हो सकता है, नेटवर्क इशू कोई नहीं है, और उसमें ब्रिज लगा, उसके ऊपर लाइटिंग लगी रहती है, शाम का नजारा कुछ अलग ही रहता है, छोटा रियो फ्रंट बोल सकते हो अपने अहमदाबाद से। और देखो इस तरीके से पूरा का पूरा ना पेंटिंग्स भी देख रहा हूँ, आदिवासी वाली पेंटिंग्स इन लोगों ने बना के रखी है, जो भी गांव वाला जो स्ट्रक्चर रहता है। इक्का दुक्का मैं स्टोरीज में डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, जाके फॉलो करना अगर नहीं किया तो, डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। लंबा चौड़ा नहीं, 3 किलोमीटर होगा हार्डली, लेकिन नजारे अच्छे हैं। पार्क से निकलकर हम लोग मधुबन डैम जा रहे हैं, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा डैम है वो, और पानी भी अच्छा खासा होगा क्योंकि 10 दिन तक बारिश हुई थी यहाँ पे थोड़े दिन पहले। और देखो यहाँ पे बीच में रास्ते में मिलता है ये बड़ा सा इंटरनेशनल स्टेडियम, बहुत ही बड़ा सा स्टेडियम है, आपको बड़ा दिख रहा होगा नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा ही लग रहा है, यहाँ से एकमात्र इंटरनेशनल स्टेडियम है यहाँ का, और ये बहुत ही बड़े पैमाने पर बन रहा है। अपने अहमदाबाद में कैसे मोटेरा स्टेडियम है, तो इनका ऐसा स्टेडियम है, नाम पता नहीं क्या रखेंगे लेकिन है इंटरनेशनल। ओके, छोटा सा कार्ड सेक्शन कंप्लीट करके हम यहाँ पे आ गए इसके गेट के पास, और यहाँ पे जाएंगे दिखाएंगे, थोड़ा सा वॉकवे बना हुआ है यहाँ पे, दूर तक दिख रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ से छोटा सा वॉकवे जाता है यहाँ पे, और वहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना, हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से देखेंगे। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, डैम का जो सबसे बेस्ट व्यू रहता है उस तरफ से, तो मैंने आपको व्यूज दिखाया, लेकिन इस तरफ का व्यू जो है वो तो एकदम अलग ही है। देखो
try, can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. डैम मैंने देखे, बहुत सारे डैम देखे, लेकिन ये जो डैम देखा, इसका जो व्यू देखा ना, वो तो सिर्फ मैंने मूवी में देखा, ऐसा था awesome. इतना बढ़िया था, मतलब यहाँ पे आना पूरा वसूल है। रास्ता भी बहुत बढ़िया है, एकदम नजदीक भी है, सिलवासा एरिया है ना ये वाला। यस सिलवासा, ठीक है, मधुबन, ब्यूटीफुल मधुबन डैम, ब्यूटीफुल प्लेस। Fading day by day, I'm reaching out for someone who can take away the pain I feel, the things I haven't done at all. I've lost my way, how I felt I can't recall. Do I wanna try, can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant day. इतने सारे कॉर्नर्स सारा कट करते करते पता नहीं कहाँ इतने सारे किलोमीटर निकल गए, और फाइनली एक व्यू के लिए इतने सारे किलोमीटर्स कट किए और इतना एंजॉय किया रोड को। वो व्यू आपको दिखाना तो बनता ही है। यहाँ पे वैसे इसको जेटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बोटिंग भी बहुत सारा होता है। आपको व्यू दिखा देता हूँ मैं पहले कि इतना सारा मेहनत, इतना कॉर्नरिंग करके जो हम आए हैं वो क्यों देखने, क्या देखने आए हैं आप भी देख लीजिए। वैसे तो यहाँ पे बैठ के भी अच्छा लग रहा था, यहाँ से जो बोटिंग दिखती है, चैटी लगी हुई यहाँ पे, और यहाँ पे भी खुला है। अभी पानी थोड़ा डाउन है, नया ब्रिज बन रहा है, उसके नीचे थोड़ा जगह रखा है, इसमें ये पूरा डूब जाता है। अभी मैंने देखा एक रास्ता यहाँ से भी जाता है, एक व्हीकल वाला वहाँ पे गया, तो मैं भी ट्राई करूँगा कि वहाँ पे अगर पहुँचा जा सके तो वहाँ पे जाकर थोड़ा रिकॉर्डिंग करके वापस जाया जाए। थोड़ा लेट हो रहा है, वरना ले लेते हैं फटाफट, 15 मिनट निकल गए, वो तो निकल गए, हमें तो बोट में नहीं जाना है, हम जाके शुरू कर, 1 मिनट अल्ले भाई सेल्फी ले लिया वाला। ऑफ रोड है थोड़ा सा पैच, और ऑफ रोड क्या पैच, ये पूरा पैच ही है। ये देखो देखो ये रास्ते देखो, यहाँ से सूचा ने पब्लिक करने का टाइम आ गया। सोचो अगर यहाँ पे ये हालत है तो लद्दाख में क्या होगा। लद्दाख भी तो जाना है बाबा, बाइक को बचा के रखो, तोड़ मत देना ना। ऑफ रोडिंग कर रहा है बंदा इस बाइक से, एक दिन तो लगता है इस बाइक के दो टुकड़े हो जाने। हम लोग कहीं वहां पे थे और वहां से ऑफ रोड करते बाइक मैंने यहाँ पे रखा, और हम लोग यहाँ से चलते चलते जा रहे हैं। थोड़ा सा पैच है यहाँ पे जहाँ से कुछ अलग नजारे दिख सकते हैं, इट्स बिट एडवेंचरस वाला फील। यहाँ से इस कोने से उस कोने तक जाने के लिए ब्रिज तो बन रहा है, लेकिन ये फेरी से भी जाया जा सकता है, वो वहां पे लगा देते हैं, बाइक लगाना है 10-15-20 रुपए लेंगे, और इस कोने से उस कोने तक आपको छोड़ देंगे। ये सारा सिस्टम चला है यहाँ पे। 20-30 किलोमीटर ऐसे तैसे पहाड़ियों में से होके आना बहुत ही परफेक्ट वाला डिसीजन रहा हमारा, और इतनी बढ़िया जगह आ गए हम लोग। जगह देखो अच्छी है, क्या कर रहे हैं अभी ए छोटे टाइगर
सस्ते टाइगर श्रॉफ, कुछ डायलॉग बोल दो, रिवर को बोल दो बच्ची हो गया, लोग तड़प रहे तुम्हारी आवाज सुनने को, बच्ची हो गया वो वाला बोलो तुम, बोला बच्ची हो गया अरे बाप रे सस्ते टाइगर शॉप को घुमा रहे हम साथ साथ, चलो भागो यहाँ से बच्ची हो गया ले। तो टेंशन मत ले, तो एकदम देख ऐसे छोटे मोटे रास्ता था, ऐसे चीटी माफे को चल देंगे, ऐसे देख तेरा भाई लता ग्रेटर वो सामने आ रहे, देख छता ग्रेटर भाई के साथ घूमने का मजा अलग है, आवाजो निकालो। दमन में जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, वहाँ की अलग अलग जगह भी देखेंगे, ये जगह सिद्धवास्त और दादरा नगर वाला बहुत ही बढ़िया एरिया था, मैं सारे एरियाज के ना लोकेशन ना अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो चेकआउट करना भूलना मत। आखिरकार 2 घंटे का सफर करके हम लोग दमन में एंट्री कर लिया, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो दमन का पहला सर्कल का जो जहाज बनाया हुआ है। ये अभी पेट्रोल फिलअप हो रहा है हमारा, और रेट देखो दोस्तों यहाँ पे 93.52 रेट है इसका, लास्ट टाइम हमने जब वहाँ पे पैक करवाया था गाड़ी तब अराउंड कुछ रेट चल रहा था 104. समथिंग चल रहा था, दमन में लगा रहे यहाँ पे 93. समथिंग है, समझ लो कितना फर्क है। हम लोग दमन तो आए बट सैटरडे संडे एज इट इज दमन बंद है फॉर द लॉकडाउन पर्पस, तो क्या करें, नेक्स्ट टाइम इज नेक्स्ट टाइम दमन आएंगे और दमन फिर से दिखाएंगे, पर जो भी खुला है चलो दिखाते हैं। देख ये रिकॉर्डिंग कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। हाय फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था बीजू भाई को मिलने के, बीजू भाई तो मिले नहीं, पर नेक्स्ट टाइम इस बॉम्बे सेंट्रल इस ऑन कमिंग दिस बॉम्बे सेंट्रल इस नेक्स्ट टाइम इस गेट लक इज द नेक्स्ट टाइम इज दीपक कैसे हो, सब्वे में कैसे ऑर्डर देते हैं उस तरीके से ऑर्डर दे रहा है कि ये डबल चिकन, ये सिंगल चिकन, ये डबल अंडा, सिंगल अंडा, डबल चिकन फ्राई, डबल चिकन फ्राई है, हाँ वो अलग। हेलो भाई, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब जी ये सारे मास्क वालों की बस्ती में हम दोनों मतलब मास्क पीने पीने वाला ऐसे ही घूम रहे हैं। एलियंस 5,000 के दंड का कुछ है ही नहीं अपने, क्योंकि 5,000 बहुत पैसे अपने पास, बहुत पैसे, पैसा बहुत है इसमें, काटी रोल खा ले भाई। क्या ले रहे हो है? दुकान पे आगे शर्मा जी के लौंडे क्या ले रहे हो फुल तैयारी के साथ आया बंदा, बोलो पैक मार रहे हो गया रेडी, चलो तेरा तो सामान आ गया। दमन की जगह बंद थी इसलिए ज्यादा घूम नहीं पाए, और आज के वीडियो में इतना ही मैं दिखा पाया, तो अपन ऐसा करते हैं कि 3-4 दिनों के बाद मिलेंगे एक नए ब्लॉग के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट। हवा बहुत तेज है दमन से, बहुत सारी जगह बहुत तेज हवा है, हवा आ रही है, चलो कोई नहीं वीडियो को क्लोज करते हैं, बाद में मिलेंगे।